हेलो बच्चों, वेलकम बैक। साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस चैप्टर का नाम है द एज ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, पहले हम बात करेंगे एएमयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देन वी विल मूव टू जामिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आए हुए हैं, और फिर हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे भी बात करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको जामिया एएमयू 9th एंट्रेंस का पूरा कोर्स अपलोड मिल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, अ इंडोक्राइन ग्लैंड विच इज़ अटैच्ड टू ब्रेन। कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड जो दिमाग पर अटैच होता है, ब्रेन में पाया जाता है, वो कौन सा है? वो पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ध्यान दीजिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर होता है? ये ब्रेन से अटैच होता है। बाकी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। एड्रेनल ग्लैंड जो होता है वो किडनी के पास होता है। कहाँ पे? किडनी के ऊपर। ठीक, किडनी के ऊपर होता है ये, अबव किडनी। थायराइड ग्लैंड थ्रोट में होता है, गले में पाया जाता है। पैनक्रियाज भी किडनी के आसपास पाया जाता है, ये भी किडनी के बिसाइड पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग इज कंट्रोल्ड बाय। जो फ्रॉग्स में मेटामॉर्फोसिस होता है उसे कौन कंट्रोल करता है? कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस इज कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस कौन कंट्रोल करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट, फ्रॉग को गायब कर दे, इंसेक्ट दे दे, तो आप क्या बताओगे? इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस कौन कंट्रोल करता है? इंसेक्ट हार्मोन। कौन करता है? इंसेक्ट हार्मोन। आई होप आपको क्लियर होगा, बुक में भी बहुत अच्छे से क्लियरली दिया गया है कि इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट हार्मोन कंट्रोल करता है और फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल वर्टेब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ठीक, इन चारों में से कौन सा हार्मोन डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? अगर यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन रहता तो आप बिना झिझक ग्रोथ हार्मोन पे क्लिक कर देते, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्लिक करेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन पे। थायरॉक्सिन हार्मोन से बॉडी की ग्रोथ होती है काफ़ी ज़्यादा। थायरॉक्सिन हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। इसके अलावा आपको पता है थायरॉक्सिन हार्मोन से फ्रॉक्स में जो कि वर्टेब्रेट्स हैं फ्रॉग, उनमें भी ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन ही मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है इन फ्रॉग्स। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। बेसिक सा क्वेश्चन है ये। इस चैप्टर में बस आपको हार्मोन और ग्लैंड्स पे फोकस रखना है, सबसे ज़्यादा वही इंपॉर्टेंट है। पैनक्रियाज कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है? इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, कौन? इंसुलिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन कौन सेक्रेट करता है? थायरॉयड। बाकी ऑप्शंस पे भी बात कर लेते हैं। थायरॉयड। एड्रेनालिन हार्मोन कौन से क्रिएट करता है? एड्रेनल ग्लैंड। और ग्रोथ हार्मोन कौन से क्रिएट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। एक ही क्वेश्चन कई बार रिपीट करता है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड इसको सेक्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। डायबिटीज़ इज कॉज्ड बाय इम्बैलेंस ऑफ विच हार्मोन। ये जो डायबिटीज़ है, जिसे हम शुगर भी कहते हैं, शुगर की बीमारी, वो किस हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से होता है? वो होता है इंसुलिन हार्मोन की वजह से। अभी हमने बात की इंसुलिन हार्मोन को कौन से क्रिएट करता है? पैनक्रियाज। तो जब इंसुलिन हार्मोन में डिसबैलेंस आता है, पैनक्रियाज सही से नहीं सेक्रेट करता है इंसुलिन, तभी लोगों को डायबिटीज़ या शुगर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच हार्मोन इन आर बॉडी हेल्प अस टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वी आर एंग्री और वरीड। स्ट्रेस एडजस्टमेंट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? एड्रेनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेस एडजस्टमेंट के लिए। जब भी इंसान को गुस्सा है, डर लगता है, तो एड्रेनलिन हार्मोन वहाँ पे स्ट्रेस करता है, एडजस्ट करता है स्ट्रेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस की एज पीरियड क्या है? एडोलेसेंस स्टार्ट हो जाता है बच्चों 13 के आसपास, और ये कंटिन्यू रहता है 18-19 ईयर्स के आसपास। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी, 13 के आसपास एडोलेसेंस एज स्टार्ट हो जाता है और 18 तक कंटिन्यू रहता है। इस एडोलेसेंस एज को हम टीन एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीन एज। एडोलेसेंस एज इज़ ऑल्सो नोन एज टीन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, What controls the body changes during adolescence? Adolescence के दौरान
क्या कंट्रोल करता है बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, डेट इज़ कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। जो भी एडोलेसेंस में चेंजेस आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे लड़कों में मूछें आ जाती हैं, लड़कियों के ब्रेस्ट डेवलप होते हैं, हिप्स डेवलप होते हैं, तो ये सारे जो चेंजेस हैं वो कौन कंट्रोल करता है, उन्हें कंट्रोल करता है हार्मोन्स। सो एडोलेसेंस के दौरान जो भी बॉडी में चेंजेस आते हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज़ द मास्टर ग्लैंड, विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज़ कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्यों मैम इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? बिकॉज दिस पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स ऑल अदर ग्लैंड्स। जितने भी ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में उसको कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है समझ लो मास्टर है, रूलर है सबका, सबको यही कंट्रोल कर रहा होता है, सो दैट इट इज़ नोन एज मास्टर ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज सेक्रेटेड बाई पेनक्रियाज, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस। पेनक्रियाज कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है? इंसुलिन। इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाई पेनक्रियाज, और इस इंसुलिन हार्मोन में जब डिस्टर्बेंस आता है तभी लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी होती है। सो अगर पूछ ले डायबिटीज़ किसकी वजह से होता है, इंसुलिन में इम्बैलेंस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड, जो औरतों में फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है, जब वो स्टॉप होता है तो उसे क्या कहते हैं? स्टॉप, रुकना। रुकने का सिनोनिम क्या होता है? एक सिनोनिम है पॉज, ठीक है, पॉज मतलब होता है रुकना। सो स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनोपॉज, रुकना, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि स्टार्ट जब होता है तब क्या कहते हैं, स्टार्ट जब होता है उसे मेनार्क कहते हैं, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, और जब पॉज होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मेनोपॉज कब होता है? अक्सर किस उम्र में? 45 से 50 साल के बीच में मेनोपॉज होता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन इससे भी आ जाता है कि मेनोपॉज का पीरियड क्या है, एज क्या होती है मेनोपॉज का, वो 45 से 50 होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, द इंडोक्राइन ग्लैंड डेट इज़ लोकेटेड ऑन ह्यूमन किडनी, ह्यूमन किडनी पे जो इंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड है उसे क्या कहते हैं हम? ह्यूमन किडनी पर कौन सा ग्लैंड लोकेटेड है? एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। इससे कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है? इससे सेक्रेट होती है एड्रेनलिन हार्मोन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या करता है ये हार्मोन करता है स्ट्रेस को एडजस्ट, स्ट्रेस एडजस्टमेंट करने का काम करता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, मेनोपॉज ऑकर्स एट द एज ऑफ अबाउट, मेनोपॉज कब आता है? मैंने अभी डिस्कस किया, वो 40 से 50 ईयर्स या 45 से 50 ईयर्स के बीच में मेनोपॉज की एज आ जाती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम ओवेरी, ओवेरीज से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोजन हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम ओवेरीज, एंड दिस एस्ट्रोजन हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज फीमेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन। तो अगर क्वेश्चन पूछे फीमेल हार्मोन किसको कहते हैं, तो है एस्ट्रोजन, ठीक है। एंड दिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज नोन एज मेल हार्मोन, दिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज नोन एज मेल हार्मोन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। वन ऑफ द एजिस्ट चैप्टर है ये बुक का। द सेक्रेशन ऑफ डक्टलस ग्लैंड इज कॉल्ड, जो डक्टलस ग्लैंड है उससे जो सेक्रेशन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पहले समझ लो डक्टलस ग्लैंड होते क्या है। ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड हम पढ़ रहे हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज डक्टलस ग्लैंड। तो अगर क्वेश्चन में इंडोक्राइन ग्लैंड दिया हो, अगर डक्टलस ग्लैंड दिया हो, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। डक्टलस ग्लैंड एंड इंडोक्राइन ग्लैंड आर बोथ यूज फॉर अ सेम टर्म, राइट? बोथ टर्म्स आर यूज फॉर सेम वन। सो द सेक्रेशन फ्रॉम डक्टलस ग्लैंड इज कॉल्ड हारमोन्स। इंडोक्राइन ग्लैंड या डक्टलस ग्लैंड से क्या निकलते हैं? हारमोन्स निकलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन लिवर। ऑफन मैं कन्फ्यूज थी ये जो क्वेश्चन है ये किस चैप्टर से आया होगा, बट लास्ट में मैंने इसी चैप्टर में सोचा डिस्कस कर लेती हूँ। तो आपको बताना लीवर में कौन से विटामिन को स्टोर नहीं किया जा सकता। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बुक से शायद नहीं है ये। तो विटामिन सी को लीवर में स्टोर नहीं किया जा सकता। लीवर कितने विटामिन को स्टोर करता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई एंड बी 12।
इतने विटामिन्स को लीवर स्टोर कर पाता है और बाकी विटामिन्स को नहीं कर पाता, तो ऑप्शन हमारा सही बनता है और विटामिन सी। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, इंसुलिन इज़ अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द अलाउ बॉडी टू यूज शुगर कार्बोहाइड्रेट इन फूड दैट यू ईट एनर्जी और टू स्टोर ग्लूकोज फॉर फ्यूचर यूज़। इंसुलिन हार्मोन का बताया गया है कि इंसुलिन हार्मोन जिससे शुगर या ग्लूकोज को डाइजेस्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ये सारा जो काम है इंसुलिन का वो डिस्कस किया गया क्वेश्चन में। फिर पूछ रहा है ये से सेक्रेट कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाई पैनक्रियाज, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन अब नहीं है, अब जामिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द थायराइड ग्लैंड रिलीजेज विच हार्मोन, थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। विच ग्लैंड रिलीजेज थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। सो अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड विच कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल हार्मोन, कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड मेल और फीमेल हार्मोन को कंट्रोल करता है। मैं आपको एक बार बता दूँ, मेल हार्मोन मैंने बताया कौन सा होता है, मेल हार्मोन अभी बताया मैंने, टेस्टोस्टेरोन को हम मेल हार्मोन कहते हैं, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन को मेल हार्मोन कहते हैं, थोड़ी स्पेलिंग रॉन्ग हो रही है। फीमेल हार्मोन देखेंगे, फीमेल हार्मोन किसको कहते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन को, एस्ट्रोजन, ठीक। अब आपको बताना है इनके कंट्रोल को, इनको कौन कंट्रोल होता है। थोड़ी देर पहले अगर आपको याद हो तो मैंने बताया है पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो मास्टर ग्लैंड होता है, वो बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, बाकी हार्मोन्स के सेक्रेशन को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा हमारा, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय थायरॉयड हार्मोन, वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेल हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंड फीमेल हार्मोन इज एस्ट्रोजन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ, ह्यूमन बॉडी एडोलेसेंस के दौरान कई सारी चेंजेस से गुजरती है, इन चेंजेस से क्या पता चलता है, इन चेंजेस से ये पता चलता है कि बच्चा जो है वो प्यूबर्टी एज में आ गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ करेक्ट, ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है। तो जो भी चेंजेस होते हैं एडोलेसेंस के दौरान वो क्या शो करते हैं कि वन हैज़ एंटर्ड इन टू प्यूबर्टी एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट चेंजेस इन बॉयज़ ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के दौरान बॉयज़ में क्या चेंजेस आते हैं, शोल्डर्स ब्रॉडन हो जाते हैं, वॉइस बॉक्स जो होता है, गले में एडम्स एप्पल की ग्रोथ होती है, मूंछें आने स्टार्ट हो जाएंगी, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस, ठीक है। फीमेल्स में क्या चेंजेस होती हैं ये भी जान लो, फीमेल्स में क्या चेंजेस होती है प्यूबर्टी के दौरान, सबसे पहला चेंज उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं, उनके पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो मेंस्ट्रुएशन होने लगता है, ठीक है। फिर उनके ब्रेस्ट डेवलप होते हैं, इसके अलावा हिप्स डेवलप होती हैं, फिर दोनों में जो चेंजेस आता है अंडर आर्म्स के बाल, प्यूबिक हेयर्स, बाकी जगहों के बाल ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। व्हाट इज़ द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ लैरिनिक्स इन वॉइस थ्रोट, ये जो गले में लैरिनिक्स होता है जहाँ से आवाज़ निकलती है, लैरिनिक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, तो ये लैरिनिक्स के जो उठे हुए पार्ट होते हैं, वॉइस में जो उठा हुआ पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एडम्स एप्पल, ठीक है। एडम्स एप्पल जो इनलार्ज लैरिनिक्स होता है, इनलार्ज वॉइस बॉक्स होता है वॉइस में, उसे हम कहते हैं एडम्स एप्पल। अगला क्वेश्चन है, फीचर्स डैट हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल दे आर कॉल्ड, ऐसे फीचर्स जो मेल को फीमेल से और फीमेल को मेल से अलग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की एग्जांपल जैसे लड़कों में मूंछें होती हैं, लड़कियों में नहीं होती, कुछ लड़कियों की थोड़ी बहुत मूंछें होती हैं, उसको कंसिडर मत करने लगना कि मैम कुछ लड़कियों की मूंछें होती हैं, हल्का फुल्का फेशियल हेयर रहता है लड़कियों को, ठीक है। तो मूंछें हो गई, इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जैसे एडम्स एप्पल बॉयज़ में होता है, गर्ल्स में नहीं होता, ठीक है। तो ये सारे होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो मेल को फीमेल से, फीमेल को मेल से अलग कर रहे होते हैं।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन बॉयज. बॉयज में कौन सा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है? ग्रोथ ऑफ मूंछेस. मूंछ आना स्टार्ट होते हैं बॉयज को. ये क्या है? एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है. आईज तो लड़कियों की बढ़ती है, लड़कों की भी बढ़ती है. टीथ तो लड़की की भी बढ़ती है, लड़कों के भी बढ़ते हैं. तो ये ग्रोथ ऑफ मूंछेस. गर्ल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है? मैंने अभी बताया, जैसे हिप्स बड़े होते हैं, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, प्यूबिक हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं, अंडरआर्म्स के हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं. ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं. अगला क्वेश्चन, द चेंजेस विच ऑकर्स एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाई. पहले डिस्कस कर चुके हैं जो चेंजेस एडोलेसेंस में आता है उसको कंट्रोल करते हैं हारमोन्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफकोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्शन ऑफ ये क्वेश्चन नहीं है. ये मैंने इसलिए डाला है कि ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन, इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है. क्या पूछ सकता है? अगर आपसे पूछ ले कि वो कौन सा ग्लैंड है जो बाकी हार्मोन्स के सेक्रेशन को कंट्रोल करता है, प्रोडक्शन ऑफ अदर हार्मोन्स को कौन कंट्रोल करता है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तब कंफ्यूज नहीं होना. वो पिट्यूटरी ग्लैंड ही है जो बाकी हार्मोन्स और बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है. अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे. इंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पार्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट. ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सेक्रेट करते हैं एक पार्टिकुलर जगह के लिए, उसे हम कहते हैं टारगेट साइट. मैंने डिटेल में डिस्कस किया है वीडियो में, एक्सप्लेनेशन वीडियो में जाके देख लीजिएगा जिनको भी कन्फ्यूज़न हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ देयर सेल्स. कितने पेयर्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम? कितने पेयर्स होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं. टोटल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं इंसान के अंदर, जिसमें से एक पेयर, वन पेयर कौन सा है? सेक्स क्रोमोसोम है. हम डिस्कस कर चुके हैं 23rd पेयर जो होता है वो कौन सा है? सेक्स क्रोमोसोम है. सेक्स क्रोमोसोम एक एक्स है, एक वाई है. एक एक्स है और एक वाई है. अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ दीज विच वन डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द बेबी. बेबी का जो सेक्स होता है, बेबी लड़की होगा लड़का होगा, वो कौन डिटरमाइन करता है? क्रोमोसोम्स डिटरमाइन करते हैं. बात कर चुके हैं हम ऑलरेडी, दो क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स एंड वाई. टोटल क्रोमोसोम इंसानों में कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं 46 टोटल क्रोमोसोम होते हैं. अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे. कोई भी कन्फ्यूजन मत रखिएगा, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है. इन मेल्स द सेक्स क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ. मेल्स में कौन से सेक्स क्रोमोसोम होते हैं? मेल्स में आपको पता है जो बॉयज़ होते हैं या मेल्स होते हैं उनमें दो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक्स एंड वाई. और फीमेल्स में क्या पाया जाता है? फीमेल्स के क्रोमोसोम होते हैं एक्स एंड एक्स. ठीक है, तो मेल के होते हैं वन एक्स एंड वन वाई. ऑप्शन नंबर फर्स्ट. अगला क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन. पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं ब्रेन में. बात कर चुके हैं हम. अब कुछ देख लेते हैं ग्लैंड्स एक बार फोटो के थ्रू. देखो ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है? ब्रेन में है. ठीक, थायराइड ग्लैंड कहाँ है? थ्रोट में होता है, गले में होता है. एड्रेनल ग्लैंड कहाँ है? ये किडनी की जस्ट ऊपर. पैनक्रिएटिक ग्लैंड बिसाइड किडनी. भाई ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आ जाएगा, छोड़ के नहीं आना. ठीक है, और ये रहा आपका ओवेरी और ये रहा टेस्टिस. ये लोअर बॉडी पोर्शन में मौजूद होते हैं. तो याद क्या रखना है, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में है. एड्रेनल थायराइड ग्लैंड का याद रखना थ्रोट में है. एड्रेनल अबव द किडनी, पैनक्रियाज बिसाइड द किडनी, और ये दोनों जो है लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी में है. अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे. ग्वाइटर इज अ डिजीज ऑफ. ग्वाइटर किस ग्लैंड में होता है? ग्वाइटर एक बीमारी है जिसमें, अब आपसे पूछ रहा है ये ग्वाइटर किस ग्लैंड की बीमारी है? ये है थायराइड ग्लैंड की बीमारी. आपको पता है यहाँ पे क्या होता है? गले जो होते हैं, गला स्वेल कर जाता है. ये ग्वाइटर जो बीमारी है कहाँ होता है? थायराइड ग्लैंड में, गले में होता है, थ्रोट में. अगर आपसे पूछ ले ग्वाइटर इज कॉज्ड बाय, ग्वाइटर क्यों होता है लोगों में? ग्वाइटर होता है आयोडीन की कमी से. किसकी वजह से? लैक ऑफ आयोडीन, लैक ऑफ आयोडीन. जब हमारा थायराइड ग्लैंड सही से थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज़ नहीं करता आयोडीन की कमी की वजह से, तो ग्वाइटर बीमारी होती है. बात समझ में आए? तो यहाँ से क्लियर रखिएगा, ग्वाइटर इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन. ठीक है, और ये ग्वाइटर बीमारी कहाँ होती है? थायराइड ग्लैंड में होती है. अगला क्वेश्चन,
प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन रुकेर्स, थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? आयोडीन की ज़रूरत होती है. ठीक, अगला क्वेश्चन, नेम एनी वन हार्मोन सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है ये बताना है. तो थायरोक्सिन तो थायरॉइड करता है, एस्ट्रोजन तो ओवेरीज करती है, एड्रेनलिन तो एड्रेनल ग्लैंड करता है. तो बच्चा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट FHS, जिसका फुल फॉर्म है फॉलिसल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये कौन सेक्रेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड. ये कॉन्सेप्टम का क्वेश्चन है. इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन भी सेक्रेट करता है. क्या? ग्रोथ हार्मोन. ठीक, ग्रोथ हार्मोन एंड FHS आर सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड. अब जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं. सारे ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करता है ग्रोथ हार्मोन और FSH जो अभी हमने देखा. थायरॉयड ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है? थायरोक्सिन हार्मोन. पेनक्रियाज क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन. यही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, प्लीज़ इसको मिस नहीं करिएगा. एड्रेनलिन हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन निकालता है एड्रेनल ग्लैंड. टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. ओवेरीज रिलीज करता है एस्ट्रोजन हार्मोन. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे. लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर बॉयज़ इन इंडिया. बॉयज़ के लिए लीगल एज ऑफ मैरिज इंडिया में क्या है? 21 ईयर्स, मतलब 21 साल का लड़का शादी कर सकता है अपनी मर्जी से. लीगल एज क्या है बॉयज़ की मैरिज की? 21. और अगर पूछे गर्ल्स के लिए क्या है लीगल एज ऑफ मैरिज, तो वो है 18. क्या है? 18. एक हाल ही में बात हो रही थी कि गर्ल्स की लीगल एज को बढ़ाया जाए, गर्ल्स की भी एज 21 की जाए, लेकिन अभी तक ये बिल फोर्स में नहीं आया है. तो आपको याद रखना है लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर बॉयज़ इन इंडिया इज़ 21 एंड फॉर गर्ल्स इट इज़ 18 ईयर्स. तो यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ. थैंक यू एवरीवन.